हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिनका आपको एकांत में मनन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरों को सलाह देने को कहा जाए तो हम तुरंत आगे आ जाते हैं, जबकि खुद को समय समय पर कही जाने वाली बातें अक्सर भूल जाते हैं। हमें जब भी एकांत मिले तब खुद सही बातों पर विचार करना चाहिए। इन बातों का पता होने से दिमाग सकारात्मक दिशा में बढ़ेगा, आप शांत रहेंगे और अच्छे नतीजे मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। मेरे साथ जो होता है, मैं उन सभी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन इन चीज़ों पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए ये मेरे काबू में है। मेरा रेस्पॉन्स ही मेरी ताकत होनी चाहिए। ज़िंदगी में जो कुछ होता है, मैं हर चीज़ को अपनाता हूँ। जब भी मैं इन चीज़ों से पहली बार मिलता हूँ तो अपना सर्वश्रेष्ठ देने के उद्देश्य से ही आगे बढ़ता हूँ। जब मैं किसी कार्य में जीतता हूँ तो मैं खुद को उतना अच्छा नहीं मानता जितना कि लोग कहते हैं। उसी तरह से जब मैं कोई काम करने में असफल या हार जाता हूँ तो मैं खुद को उतना कमज़ोर नहीं समझता। मैं परेशानी को मैनेज करने की बजाय दिमाग को मैनेज करता हूँ, पॉजिटिव रहता हूँ। जितनी जल्दी मैं कठिन परिस्थितियों से बाहर निकल सकूंगा, उतनी ही जल्दी मैं अपना लक्ष्य हासिल करने की तरफ कदम बढ़ाऊंगा। झूठा परफेक्शन दिखाने से बेहतर है गलतियां करना, क्योंकि गलतियां करने से आगे बढ़ने की कई सीख छुपी होती है। चुनौती कोई बड़ी रुकावट तभी बनती है जब हम उसके आगे झुक जाते हैं। मैं कभी डर को छुपाने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो इसलिए है ताकि मुझे पता चल सके कि अभी बेहतर बाकी है। अगर मेरे पास समय नहीं होगा तो मैं सबसे पहले उन कार्यों से पीछे हट जाऊंगा जिन्हें करने से कोई मतलब नहीं है। मैं खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहूँगा, लगातार करूँगा। मैं सिर्फ यही नहीं सोचूंगा कि मैं अच्छा हूँ। जैसा आज है वैसा भविष्य नहीं होगा, भविष्य बिल्कुल अलग होगा और मेरे पास सुनहरा भविष्य बनाने की ताकत है, वो भी आज अभी। खुशियाँ मेरे पास तभी आएंगी जब वो मेरे अंदर से आएंगी। खुशियों के लिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी रेपुटेशन इस बात पर नहीं बना सकता कि मैं एक दिन क्या बनूंगा। ज़रूरी नहीं है कि सही दिशा में उठाया जाने वाला कदम बड़ा ही हो, छोटी पहल करने से भी सफलता ही मिलेगी। छोटी सफलता को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर हम छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करेंगे तो ही बड़ी सफलता मिल सकेगी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो में एकांत में मनन करने वाली कुछ बातों के बारे में बताया है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।